हैदराबाद में कल साउथ जोन पुलिस ने साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। 7 लुटेरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके पास से 20 लाख रुपए के रूबी और एमराल्ड पत्थर, 45,000 रुपए की नकदी और एक देसी पिस्तौल बरामद की है। साथ ही गिरोह द्वारा चार मीनार और अफजलगंज थाना क्षेत्रों में की गई लूट की 2 घटनाओं की गुत्थी को भी सुलझाया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दक्षिण जोन पुलिस उपायुक्त वी सत्यनारायण ने बताया कि उज्जैन मध्य प्रदेश निवासी डेयरी फार्म संचालक धीरज सिंह उर्फ अकरम भाई उर्फ अकरम मोहम्मद खान मल्लाद वेस्ट मुंबई निवासी एम्ब्रॉयडिंग वर्कर मोहम्मद सलीम बांद्रा वेस्ट मुंबई निवासी बैनर वर्कर अब्बू दादरी उत्तर प्रदेश निवासी कार संचालक मोहम्मद अजमत नजीर उर्फ अजमत सज्जनपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी निजी कर्मी मोहम्मद उमेर उर्फ उमेर बांद्रा वेस्ट मुंबई निवासी जरी वर्कर मोहम्मद वकरार उर्फ वकार और बांद्रा वेस्ट मुंबई निवासी शेख सद्दाम उर्फ सद्दाम को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर निवासी कीमती पत्थरों के व्यापारी विजय कुमार शाह की शिकायत पर गिरोह को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि व्यापार के सिलसिले में विजय कुमार शाह अक्सर कीमती पत्थर लेकर हैदराबाद आता रहता था। इसी क्रम में 22 मार्च को वो हैदराबाद आकर सिदियम्बर बाजार के हरिद्वार होटल में ठहरा। दूसरे दिन 23 मार्च को दोपहर के समय वो सिदियम्बर बाजार के ऑटो में सवार हुआ और पत्थर घटी के पास ऑटो से उतरकर अपने साथ लाए 3 किलो रूबी और एमराल्ड पत्थर व्यापारियों को बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में अग्रवाल कॉलेज के कॉर्नर के पास विपरीत दिशा से आए एक व्यक्ति ने उन्हें धक्का दे दिया। इसके बाद उनके साथ मारपीट कर उनके हाथ से हरे रंग का बैग छीन लिया जिसमें कीमती पत्थर रखे हुए थे। विजय कुमार ने इस घटना की चार मीनार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटनास्थल का दौरा कर बारीकी से छानबीन की। इस दौरान पता चला की लूट की घटना में 6 से 7 लोग शामिल थे। विजय कुमार को लूटने के बाद वे एक साथ वहां से फरार हो गए। मामले की जांच पड़ताल कर रही टास्क फोर्स पुलिस नगर के प्रमुख ज्वेलरी शोरूम पर नजर रखे हुए थी। पुलिस की ये मेहनत रंग लाई और 29 मार्च को रात 10 बजे आकाश अग्रवाल के ज्वेलरी शॉप पर एक व्यक्ति आया और रूबी और एमराल्ड पत्थर दिखाकर इसे बेचने के लिए सौदा किया। हैदराबाद से मोहम्मद हमीद की रिपोर्ट।